अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज मैं बना रहा हूँ चिकन 65। उसके लिए आधा किलो चिकन ली, चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए। इस तरह छोटे पीस कर लेने के बाद साफ धो लिए। अब इसमें मसाले डाल लेंगे हम। एक चम्मच गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें एक नींबू का रस डाल ले रहा हूँ। लहसुन का पाउडर अगर नहीं है तो आप अदरक लहसुन भी पिसा हुआ ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, लाल मिर्च, कलर डाल ले रहे हैं इसमें। चिकन 65 का जो लाल कलर रहता वो कलर डाल लेंगे हम। लाल डाल लेना, ज़ाफ़रानी कलर नहीं डाल लेना। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी नहीं है, अच्छा आटा बाइंड नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल ले सकते हैं। एक चम्मच पानी डाल ले तो मैं, क्योंकि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा इसलिए थोड़ा पानी लगा लेकर बाइंड कर लेना। आटे की अच्छी सी कोटिंग आने देना। अगर आटा आपको कम लग रहा तो और थोड़ा भी डाल ले सकते हैं आप आटा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। उसके बाद तल लेंगे इसको। आधा घंटा हो गया, अब इसको तल लेंगे। अच्छे से सेट हो गया। नमक मिर्च अच्छे से लगता है इसलिए थोड़ी देर मैरिनेट के लिए रख लेना इसको। फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऐसे मैं ऐसी रख ली थी। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख ले सकते हैं। अब तल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। खुले खुले डाल लेना है। एक तरफ से तले तक थोड़ा छोड़ देना, उसके बाद पलटा लेना। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट आ रहे तो मेरा हौसला बढ़ रहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हौसला बढ़ाने के लिए और खुशी देने के लिए। और भी आगे भी इसी तरह आप मेरी मदद कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फेसबुक पे भी है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। देखिए थोड़ा लाल हो गया, पलटा ले रहा मैं। बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो थोड़ा कड़क होने तक तल लेंगे।
देखिए मैं निकाल ली। लहसुन का पाउडर डालने से इस तरह दाने दाने आते, इसलिए लहसुन का पाउडर डालने से अच्छा रहता। और लहसुन का पाउडर बनाना भी आसान है, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको दिखा लेता हूँ। लहसुन को इस तरह से छिल लेने के बाद उसको बारीक बारीक काट लेना है, कूट के नहीं रखना, बारीक काट कर रख लेने से इसका तेल नहीं निकलता। अगर आप कूट कर रख ले रहे तो तेल निकलता। इस तरह से रख लीजिए, धूप में एक या दो दिन रखने से तेल आसानी ये सूखता ही ना आसानी से। सूखने के बाद इसको पीस लेकर पाउडर बना लेना। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो ये जो सूखे हुए लहसुन आते ना उसको फेंकना नहीं, सब लहसुन को इकट्ठा करके पीस लेकर पाउडर बना के रख लेना, या नहीं तो ऐसा भी कर ले सकते। इस तरह का सुखा के बना लेने से सफ़ेद होता लहसुन का पाउडर। आप सुखा के पीस ले रहे तो इस तरह सफ़ेद पाउडर होता, या नहीं तो ऐसा लाल होता। इसमें टेस्ट तो वही रहता, बदलता नहीं। इस तरह से काट कट कर ले को सुखा के आप आसानी से पीस को रख ले सकते। लीजिए तैयार है चिकन 65। बनाइए खाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।